देखिए, जो जो प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है और उसका गजेट भी इशू हो चुका है, या अगर नहीं भी हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने का जजमेंट है कि वक्फ बाय यूजर ऑल्सो इज अ वक्फ प्रॉपर्टी, नंबर वन पॉइंट। आप ये सर्वे क्यों कर रहे हैं भाई? आप ये सर्वे करके जो 1989 के बाद जो प्रॉपर्टीज को वक्फ कर दिया गया है, उन प्रॉपर्टीज को आप लेने का, आपका प्रेस नोट में आप वो जो आपका ऑर्डर है वो कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑर्डर इलीगल है, इसको यूपी सरकार फौरन विड्रॉ करना चाहिए। और क्यों इलीगल है? अगर वक्फ प्रॉपर्टी वहां पर इस्तेमाल हो रही है, वक्फ है, तो आप कैसा गवर्नमेंट ले सकती उसको? गवर्नमेंट को चाहिए कि सेक्शन 83 ऑफ सेंट्रल वक्फ एक्ट पढ़े। आप कोर्ट को जाइए, वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए, नंबर वन। जब प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, सरकार लेना चाहती तो वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए आप। दूसरा, आप हाई कोर्ट को जाइए, 226 को इस्तेमाल करिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, 32 इस्तेमाल करिए। कैसे आज आप ये ऑर्डर निकाल रहे हैं? और स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता क्या इसके ऊपर? आप सर्वे करने का मकसद क्या है? वक्फ प्रॉपर्टीज को आप छीनना चाह रहे, ये आपका असल इंटेंशन है, तो इमीडिएटली आप इस ऑर्डर को विड्रॉ करना चाहिए यूपी सरकार को, योगी सरकार को, और आपका इंटेंशन यह है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। आपको इख्तियार ही नहीं है यह करने का, ये गलत काम आप कर रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता। और एक चीज देखिए, आप इसमें जो आप कह रहे हैं कि हम मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे भाई? आप सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज को क्यों मालूम कर रहे हैं? आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसका भी तो इंक्वायरी करिए ना, सर्वे करिए कि उसमें क्या हाल हो रहा है। आखिर रुकेगा कहां बात ये? मैं शुरू से कह रहा था आपको कि देखिए, ये मदरसा जो सर्वे कर रहे हैं, इसके पीछे इन लोगों की एक हरकत है, इनका एक साजिश है, एक मंसूबा है, वो दिन ब दिन सामने आ रहा है। ये वफ जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ना वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आर्टिकल 300 क्या बोलता है कि गारंटीज एवरीवन राइट टू प्रॉपर्टी, ये इसका भी वायलेशन यूपी सरकार कर रही है। और अगर कोई इलीगल तरीके से उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर कर लिया है, तो आप कोर्ट में केस लड़ी ना जाके, आप ट्रिब्यूनल में जाइए, आप जो सेक्शन 83 है वक्फ एक्ट का, उसके तहत ट्रिब्यूनल में जाइए। तो इस तरह से ये पूरी चीजें जो हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यूपी सरकार टारगेट कर रही है, और दूसरा ये कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे, तीसरा यह है कि आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, अगर वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एनक्रोच करा है तो आप उनसे बुलाकर पूछिए, वो आपको दे देंगे। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कब्जा नहीं है तो आप खाली करिए उसको। मगर इस तरह का एक टारगेटेड सर्वे करना, ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये सिस्टमेटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का, नहीं सुनिए, ये सिस्टमेटिक टारगेटिंग हो रहा है मुसलमानों का, और यूपी सरकार ये काम कर रही है। जो अब जो लोग बोल रहे थे कि ज्ञानवापी हो, बाबरी मस्जिद हो, ज्ञानवापी हो, जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोल रहे थे, गिव एंड टेक कर लो, अब बताओ, क्लैरिफाई करो बाप, जो बोल रहे थे गिव एंड टेक कर लो, अब आप क्लैरिफाई करो, इस पर क्या बोलेंगे आप? सुनिए, नहीं नहीं, अरे बाबरी मस्जिद के वक्त भी ऐसे बहुत बड़े दानिश्वर लोग थे, आज भी हैं, ज्ञान वापी के वक्त भी अब बोल रहे हैं गिव एंड टेक कर लो, अबे क्या गिव एंड टेक करेंगे बताइए आप? एक प्रॉपर्टी वक्फ रजिस्टर हो चुकी है, और अगर नहीं भी है तो वक्फ बाय यूजर है। अगर मैं एक जगह पर नमाज पढ़ रहा हूं, ईदगाह है, कब्रस्तान है, तो वक्फ बाय यूजर है, वो स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन अप्लाई होता। अब सरकार आकर बोलेगी नहीं, ये वक्फ नहीं, हम छीन लेंगे, आप कैसे छीनेंगे? आप वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 83 है, वक्फ ट्रिब्यूनल को जाइए। आपका इंटेंशन ये है
वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लेना, और अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई एंक्रोच करा है, कोई काबिज है, तो भाई सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, शिया वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, सरकार उनकी मदद क्यों नहीं कर रही है। और सर्वे आप करा रहे हैं तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का भी सर्वे कराइए ना, मठों का कराइए,